जेडीए की बात करो तो जेडीए ने काफी जगह जम्मू में पार्किंग्स बना रखी हैं, मगर जेडीए की जमीन पर जो पार्किंगें बनी हैं, इस समय मैं मौजूद हूं महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने, जहां पर जेडीए पार्क है वहां पर अब गाड़ियां तो नहीं लग रही, ये है कि पानी का तालाब बना हुआ है, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मगर एक चीज बता दूं कि जो जेडीए पार्किंग है, जो हमेशा से लोगों को और ड्राइवरों को, यानी कि चाहे कमर्शियल गाड़ी हो प्राइवेट गाड़ी हो, उसको ये बोला जाता है कि पार्किंग में पार्किंग की जाए, नहीं तो अगर आप रोड साइड पे पार्किंग करेंगे तो आपको चालान दिया जाएगा, आपको चालान मिलेगा, आपको फाइन होगा। मगर यहां पर जेडीए की बात करें तो जेडीए की तरफ से जो पार्किंग बनाई गई है वहां पर अब तालाब बना है, आखिरकार वो ड्राइवर वो गाड़ी कहां लगाएगा, किस तरीके के हालात हैं। पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो जेडीए पार्किंग की तस्वीरें हैं जो अब तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये जो आपको तस्वीरें दिखाई मैंने, ये जेडीए पार्किंग की दिखाई, जहां पर गाड़ी भी बीच में है और कहीं ना कहीं जो तालाब बना हुआ है जेडीए पार्किंग का, मगर अब ये संज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, आखिरकार कब इस चीज पर संज्ञान लिया जाएगा और ये जो तालाब है इसको खाली किया जाएगा, और ताकि जो गाड़ियां यहां पर पार्क हो सके और जो फाइन उनको बाहर होता है, जो उनको चालान बाहर होता है जब वो रोड साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, आखिरकार वो भी कहां जाएं, जब ऐसे तालाब बने होंगे तो जनाब गाड़ी कहां लगाएंगे। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है मैं आपको जेडीए पार्किंग की दिखा रहा हूं, महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने की जो जेडीए पार्क है वहां की तस्वीरें हैं ये, और आपके साथ साझा भी की, मगर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, जेडीए इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा। जब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो साफ सफाई की बात करता है, स्मार्ट सिटी की बात करता है, ये देखिए स्मार्ट सिटी, हमारी पार्किंग स्मार्ट सिटी, आप देखिए ये स्मार्ट सिटी है, ये है स्मार्ट सिटी, ये तस्वीरें आप तक दिखाना चाहूंगा, साथ आसपास घर भी हैं, मगर किस तरीके की गंदगी और साथ ही साथ ये जो तालाब यहां पर देखने को मिल रहा है जेडीए पार्किंग में, और साफ तौर पर गाड़ियां लगने का कोई अभी साधन यहां पर हमें तो दिख नहीं रहा। जनाब आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सफाई कर्मचारी यहां पर भेजें, कम से कम यहां पर ये जो ड्रेन किया जाए, ये तालाब जो बना हुआ है, इसमें आसपास घर हैं लोगों के और काफी ज्यादा जो है बदबू फैलती है, यही एक तालाब है, तालाब बना हुआ है जिसकी वजह से यहां पर बीमारियां फैल सकती हैं, और कहीं ना कहीं जो चालान हो रहे हैं बाहर गाड़ी वालों के, टूरिस्ट कैब्स वालों के, कमर्शियल गाड़ियों के, जो पार्किंग में लगाना चाहते हैं मगर पार्किंग में तालाब जनाब है। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और अपने राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कर्लू को दीजिए इजाजत, नमस्कार।